दोस्तों हमारे चैनल मेडिसिन डिटेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिलोड्राम मैक्सी क्रीम के बारे में। हम जानेंगे सिलोड्राम मैक्सी क्रीम क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके यूज है, किस चीज़ में इसका यूज़ करते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट है, इसके इंग्रीडियंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सिलोड्राम मैक्सी क्रीम को बनाया है यूएसबी लिमिटेड कंपनी ने, जो काफ़ी अच्छी कंपनी है। सिलोड्राम मैक्सी क्रीम आपको किसी मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सिलोड्राम मैक्सी तीन ड्रग के कॉम्बिनेशन से बना है, बेक्लोमेथासोन, नियोमाइसिन और कोट्रिमाजोल के कॉम्बिनेशन से बना है। सिलोड्राम मैक्सी क्रीम एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल स्किन क्रीम है। एक्सटर्नली अप्लाई करना है हमारे स्किन के ऊपर। स्किन में होने वाले फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं, सूजन में इसका यूज़ करते हैं, खुजली में यूज़ करते हैं। यह एक एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल स्किन क्रीम है। यह इचिंग की वजह से होने वाले सूजन को और इचिंग को कम करने का काम करता है। सिलोड्राम मैक्सी क्रीम को बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। सिलोड्राम मैक्सी क्रीम को यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धो लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सिलोड्राम मैक्सी क्रीम को डॉक्टर के बताए गए टाइम से लगाना है। इफेक्ट सिलोड्राम मैक्सी क्रीम के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे लगाने वाले जगह पर जलन हो सकता है, खुजली हो सकता है, लाल लाल चकते पड़ सकते हैं, इचिंग हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कुछ भी हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सिलोड्राम मैक्सी तीन ड्रग के कॉम्बिनेशन से बना है, कोट्रिमाजोल, नियोमाइसिन, बेक्लोमेथासोन। बेक्लोमेथासोन एक स्टेरॉइड है, यह उस केमिकल मैसेंजर को रोकता है जिसकी वजह से लाल लाल चकते और सूजन और इचिंग होता है। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है और इन्फेक्शन कम करने का काम करता है। जबकि कोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल है, फंगी को स्टॉप करके हमारे इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है। तीनों ड्रग मिलकर हमारे स्किन इन्फेक्शन को कम करने का काम करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।